सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारा आई थिंक आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का एपिसोड नंबर 28 होगा। तो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे, तो भाई लोगों, आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो सही में गाइस, काफ़ी गजब की प्लेलिस्ट बनाई है हमने डे 1 से लेकर डे 28 तक की। तो आप लोगों को गाइस, आप सबके सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लोगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। वैसे गाइस, आप लोगों को यार काफ़ी दिनों से पता होगा कि मैंने फैब्रिकेटर मशीन ऑलरेडी गाइस अनलॉक कर ली है। एंड काफ़ी दिनों से यार मेरे को मन कर रहा था कि क्यों ना चलो यार उसको अभी हम क्राफ्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने के लिए फैब्रिकेशन मशीन को क्राफ्ट करेंगे। एंड उसके लिए गाइस, जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए ना, तो वो मैं कलेक्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नए हैं एंड जिसने भी गाइस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों, चैनल को कर लीजिए और सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम लाइक का एम कितना रखें, तो ऐसे करते हैं गाइस, आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 150। आई होप गाइस आप लोग 150 लाइक्स को कंप्लीट करा ही दोगे। तो गाइस, जैसे कि मेरे को फैब्रिकेशन मशीन को बनाने के लिए पॉलीमर चाहिए होगा एंड ऑयल चाहिए होगा। तो गाइस, आप लोगों को अगर पता नहीं है ऑयल हमें कहाँ पे मिलता है, तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए लिटरली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए गाइस, ऐसे करते हैं, फटाफट से हम चलते हैं। एंड सबसे पहले गाइस, हम अपने के लिए ऑयल कलेक्ट करेंगे। वैसे गाइस, मैंने पॉलीमर का तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि पॉलीमर हमें कहाँ से मिलता है, तो आज की वीडियो में गाइस हम ऑयल कलेक्ट करने के लिए चलते हैं। तो गाइस, डेफिनेटली यार ऑयल हमें मिलता है, ये छोटी छोटी जो आइसलैंड्स है ना गाइस, वहाँ पे आपको ऑयल इजीली मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, ऐसे करते हैं, फटाफट से मैं अपने के लिए ऑयल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, ये देख रहे हो आप, ब्लैक ब्लैक कलर्स के जो भी हैं, ये ऑयल्स के रॉक्स हैं। तो गाइस, यहाँ से हमें ऑयल मिलने वाला है। तो चाहे गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं एंड फटाफट से गाइस यहाँ पे से मैं ऑयल कलेक्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद गाइस, हम चलेंगे सीधा अपने बेस में। एंड वहाँ पे से गाइस, मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए होगा। एंड सीमेंटिंग पेस्ट गाइस आराम से हमें बीबर डैम से मिल जाते हैं, पर गाइस यहाँ पे ना बीबर डैम ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा यार टाइम लगता है। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना यार, आज मैं सीमेंटिंग पेस्ट खुद बनाएंगे गाइस अपनी मोर्टारिन पिस्टल में। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एक मैंने ऑयल का रॉक तोड़ा था, तो मेरे को वहाँ पे से गाइस अराउंड 30 ऑयल्स मिल चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस, जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है मैं वो वहाँ पे ही ड्रॉप कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर लिया है, तो ज़्यादा ऑयल लेके नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरे को इतना ऑयल का ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे को गाइस अभी पता भी नहीं है कि फैब्रिकेशन मशीन को चलाते कैसे। एंड ऑलरेडी गाइस अभी बना के देखूंगा मैं, एंड चलाने का गाइस वो बाद में देखेंगे कि चलती है या नहीं चलती। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आई थिंक इतना ऑयल हमारे पास सफिशिएंट होगा। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पे 55 ऑयल हो गया है। तो चलिए गाइस, ऐसे करते हैं, इतना ऑयल सफिशिएंट है। तो चलो यार, फटाफट से अपने पैटर्न डाउन में चलते हैं। एंड यहाँ पे से गाइस हम निकलेंगे सीधा दूसरी लोकेशन में एंड चेकआउट करेंगे अभी हमें चाहिए क्या क्या चीज़। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने अराउंड काफ़ी ज़्यादा यार ऑयल कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे गाइस, मैं जरूर चेकआउट करने लगा था कि यहाँ पे हमें पॉलीमर भी चाहिए होगा। तो मैंने डिसाइड करा यार गाइस, आपको पहले भी मैंने बताया कि पॉलीमर कहाँ से मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइस, मेरे को एक वाटर की लेक्स मिली, तो मैंने डिसाइड करा यार चलो देख के आते हैं कि इसके अंदर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कुछ क्रिएचर्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले गाइस, मैं अपना फूड लेवल इंक्रीज़ कर लेता हूँ, वैसे भी मेरे काफ़ी ज़्यादा यार फूड लेवल कम हुआ था। ओके गाइस, ओहो यहाँ पे तो मेंटस है, आई थिंक मेंटस ही बोलते हैं यार इसको, मेरे को गाइस पता नहीं। ओके, यहाँ पे गाइस एक और जगह मैं चेकआउट कर गया, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा नहीं गाइस, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब गाइस इसमें जाके कोई फ़ायदा नहीं है अंदर। ओके गाइस, यहाँ पे से हम दूसरे तरफ निकल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे करता हूँ मैं यहाँ पे से फटाफट से यार बाहर निकलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे से बाहर निकल के जा चुका हूँ एंड अपने फटाफट से यार पेट्रोल ऑन में पहुँचेंगे। एंड उसके बाद गाइस हम डायरेक्ट पहुँचते हैं अपने बेस में। तो चलिए गाइस, ऐसे करते हैं, आपको सीधा मिलते हैं हम कहाँ गाइस, सीधा अपने वोल्केनो वाले बेस में। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैं अपने वोल्केनो वाले बेस में पहुँच चुका हूँ। एंड सबसे पहले गाइस, हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हमें फैब्रिकेटर मशीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। फैब्रिकेटर होता है कि फैब्रिकेशन समथिंग यार गाइस, मेरे को पता नहीं, बोले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे तो वो बनेगा नहीं, तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना यार अपने के लिए प्रिजर्विंग बिन बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को मीट की जर्की चाहिए, जो कि गाइस प्रिजर्वर बिन्स में आई थिंक जो हमारा कुक्ड मीट है उसको गाइस हमें स्पार्क पाउडर एंड ऑयल के साथ कुक करना है। तो गाइस वहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
मीट की जर्गी मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो अराउंड मैंने पास काफ़ी ज़्यादा यार स्टोन्स है, तो मैं अभी क्या बनाने वाला हूँ अपने के लिए प्रिजर्विंग बिन। तो ओके गाइज यहाँ पे मैं प्रिजर्विंग बिन मैंने क्राफ्ट में लगा लिया एंड उसका यूज़ भी देखेंगे गाइज, एंड उसका यूज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे सोचा मेरे पास गाइज इतना वुड्स वगैरह तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गाइज आपने देखा होगा कि एक ओनली फाउंडेशन बनाई है। तो इस फाउंडेशन में गाइज आप इजीली कोई भी स्टोरेज बॉक्सेस तो यार इजीली आ जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ स्पीति नहीं फर्नेस वगैरह प्लेस करना है ना गाइज, आप वुडन की फाउंडेशन के ऊपर फर्नेसेस वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हो। तो मैं सोच रहा था गाइज यहाँ पे स्टोरेज जो बॉक्सेस है ना, तो मैं इसको ज़मीन में प्लेस नहीं कर सकता, पर गाइज यहाँ पे ज़मीन में भी मैं इजीली प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ इसको यहाँ पे गाइज इस डायरेक्शन में हम प्लेस कर लेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने प्रिजर्विंग बिन को प्लेस कर लिया है। तो गाइज अब मेरे को क्या करना है, जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा पॉल्यूमर है पॉल्यूमर को भी गाइज देखते हैं कि प्रिजर्व होता है या नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई थी, मैंने गाइज पॉल्यूमर को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्विंग बिन बनाया था, तो गाइज यहाँ पे आई थिंक पॉल्यूमर प्रिजर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे गाइज ओनली जो मीट है ना वो प्रिजर्व होती है, पर गाइज यहाँ पे मीट को भी हम जर्की बना के कुछ अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखा होगा ना मैंने, अभी आपको बताऊँगा। तो अभी गाइज मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पार्क पाउडर चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने 100 स्पार्क पाउडर ले लिया है, जो कि गाइज मैं यहाँ पे प्रिजर्विंग बिन के अंदर डाल दूंगा। तो स्टोर योर प्रिजर्विंग विद स्पार्क पाउडर टू प्रिजर्व, यूज स्पार्क पाउडर ऑयल एंड कुक मीट टू मेक जर्की ओवर आवर्स। ओके गाइज यहाँ पे मतलब क्या है मीट की जर्की, गाइज मेरे को अभी पता नहीं। जो प्रिजर्विंग बिन है ना, अगर उसको गाइज हम कुक्ड मीट और ऑयल के साथ कुक करेंगे विद स्पार्क पाउडर, तो यहाँ पे मीट का जो है ना गैस जर्की बनेगा। वो गैस मैं आप लोगों को देखता हूँ गैस कि मैं दो तीन घंटे खेलूंगा तो डेफिनेटली यार जर्की बन ही जाएगा। तो यहाँ पे गैस जो मैंने देखा ना कि मेरे को कुक्ड मीट चाहिए एंड हमारे पास जो है ना वो रॉ मीट है, रॉ मीट का तो गैस जर्की बनेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने के लिए कुछ मीट्स वगैरह कुक कर लूँगा। तो फाइनली गैस यहाँ पे मेरा वो भी एक्चुअली में चल रहा है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने मीट को कुक करने के लिए रख लिया। तो गाइज यहाँ पे मेरे को फैब्रिकेटर मशीन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यार अमाउंट में अभी क्या चाहिए, क्रिस्टल। तो चलो गाइज मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से यार अपने के लिए क्रिस्टल वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो आई थिंक गाइज इतना क्रिस्टल सफिशियंट होगा, तो जी हाँ गाइज इतना क्रिस्टल आई थिंक सफिशियंट होगा। तो चलो यार फटाफट से ऐसे करते हैं, ये क्रिस्टल हम रख लेंगे अपनी स्पीति में। तो यहाँ पे गाइज मैं चेकआउट करने लगा था यार वो क्या है और मेरे को क्या क्या सामान और चाहिए। तो चलो गाइज ऐसे करते हैं यहाँ पे चेकआउट करते हैं। फैब्रिकेटर मशीन कहाँ है? ओके गाइज ये फैब्रिकेशन होगा शायद, सिर्फ कि फैब्रिकेटर ऐसे कुछ होगा। तो ये रहा गाइज मिल गया है मेरे को फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर। ओके गाइज यहाँ पे मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए, तो अभी गाइज मेरे पास सीमेंटिंग पेस्ट नहीं है। ओके गाइज यहाँ पे मेरी मोटाडेन पिस्टल में जो है वो सीमेंटिंग पेस्ट अभी अनलॉक नहीं है। तो चलिए गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से अपने इनग्रीम्स में जाते हैं एंड सीमेंटिंग पेस्ट जो है उसे अनलॉक करेंगे। तो देखते हैं गाइज कि सीमेंटिंग पेस्ट हमारे कौन से लेवल है। ओके गाइज यहाँ पे सीमेंटिंग पेस्ट जो है हमारे 13वें लेवल में अनलॉक होता है। तो फाइनली गाइज सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए मेरे को चाहिए क्रिएटिन और या फिर चिंटिन, ठीक है। तो गाइज ये दो चीज़ चाहिए, तो आई थिंक काइटिन होगा चिंटिन होगा ना गाइज, जो चिंटिन है तो वो हमें इजीली गाइज किसी भी केव में जाके अगर केव करेंगे तो हमें वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चिंटिन मिल जाएगा। तो वैसे गाइज जो वोल्केनो के पास में एक केव है, तो मैंने डिसाइड करा चले यार फटाफट से वहाँ पे चलते हैं एंड वहाँ से गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यार चिंटिन तो मिल ही जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ गाइज जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है वो मैं स्टोरेज बॉक्सेस में रख लूँगा एंड गाइज वहाँ मैं जाने वाला हूँ ओनली अपने साथ सॉल्ट लेके, जो कि गाइज मेरे को रिपेयर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइज आप मेरी सॉल्ट की हेल्थ देख सकते हो ऑलमोस्ट यार काफ़ी ज़्यादा कम है। तो चलिए गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से यार केव के अंदर चलते हैं एंड मेरे को चिंटिन चाहिए। एंड वैसे गाइज मेरे जो नीचे वाले बेस है ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यार चिंटिन है, तो वहाँ जाके तो गाइज अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा मेनली वर्क जो हो रहा है वो वोल्केनो में हो रहा है। तो देखते हैं गाइज। सो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ एंड थोड़ा बहुत लैग वगैरह होने लगा था एंड गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा टैप्स आ रहा था, तो उसको गाइज अभी छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा लेवल है ही नहीं उतना कि उसको टेम कर सके। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं कहाँ पे पहुँच चुका हूँ,
केव में पहुंच चुका हूँ। तो चलिए गाइस, जैसे कहते हैं केव से हम थोड़ा सा यार चिंटिन लेने का ट्राई करते हैं, देखते हैं गाइस कि कितना चिंटिन हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेरे को क्या करना है गाइस, ओनली राइट हैंड साइड में जाना है। तो राइट हैंड साइड में हमें काफ़ी ज़्यादा यार एरिनोज वगैरह मिलते हैं, पर गाइज यहाँ पे एरिनोज ना आपको कम मिलेंगे, आपको यहाँ पे बिच्छू ज़्यादा मिलते हैं। बिच्छू और कौन सा बोलते हैं, ऑर्थो नाम से कोई डाइनो है, और चमकादड़। अरे गाइज यहाँ पे चमकादड़ डिटरली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनको मारने में भी इनसे आई थिंक गाइज चमकादड़ से हमें वो नहीं मिलता यार, क्या बोलते हैं, चिंटिन चमकादड़ से नहीं मिलता। फिर भी गाइज ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। एरिनोज आया, तो फाइनली गाइज यहाँ पे एरिनोज दिखा, इसको मारते हैं। एरिनोज से तो आई थिंक गाइज मिलता है, तो गाइज सबसे ज़्यादा मेरे को डंग बिटल से मिला। डंग बिटल से गाइज कितना चिंटिन मिला मेरे को, आई थिंक 30। ओके गाइज यहाँ पे काफ़ी, और तो अभी लिटरली गाइज यहाँ पे मैं फंस गया, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि इसकी मैं यहाँ पे से मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज जो मेरा ट्रॉपोस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड यहाँ पे से तो अभी भागना ही बेटर लगेगा, कि मैं गाइज ऐसे करता हूँ भागता हूँ, देखते हैं मैं कितने दूर पहुंच पाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं पड़ चुका हूँ अनकॉन्शियस, तो गाइज मेरे को लग गया था यार यहाँ पे से बचना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे गाइज आपको ऑर्थो एंड बिच्छू गाइज छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं सोच रहा था यार एटलीस्ट एक बार मैं खड़ा हो जाऊँ, तो मेरे पास स्टिमुलेंट है नहीं, तो अपना ट्रॉपोस लेवल गाइज लिटरली मैं कम नहीं कर सकता। तो अभी मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि कब तक मेरा ट्रॉपोस लेवल जो है वो कम होता है। तो गाइज वैसी सुबह होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज जैसे मेरा ट्रॉपिक लेवल कम हो रहा था, तो यहाँ पे गाइज ऑलरेडी वो चीज़ पहुँच चुकी है, तो अब तो गाइज बचना इम्पॉसिबल है। तो फाइनली भाई लोगों यहाँ पे मेरे को मार दिया गया है औरतों की तरफ से। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं अपने बेस में स्पॉन होके दोबारा से गाइज मैं केव में आया था, एंड यहाँ पे गाइज मैंने अपना जितना भी चिंटिन था वो ऑलमोस्ट उठा लिया। तो गाइज ऐसे करते हैं फटाफट से वहीं पर चलते हैं, एंड अपना चिंटिन उठा के लेके आएंगे जितना भी मैंने वहाँ पर से फार्म करा था। चलो यार मेरा पैटर्न ऑन कहाँ गया, तो ऐसा कर लगता है गैस मेरे को पैटर्न ऑन को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली गैस यहाँ पे मैं अपना जितना भी सामान था वहाँ से लेके आ चुका हूँ, तो देख सकते हो गैस आप मेरे पास कितने चिंटिन है, अराउंड 158 चिंटिन है। तो ईजिली गैस मैं अब अपने के लिए सीमेंटिक पेस्ट बना सकता हूँ, तो सीमेंटिक पेस्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए गैस, थोड़ा सा पॉल्यूमर चाहिए होगा आई थिंक, पॉल्यूमर या नहीं गैस पॉल्यूमर तो नहीं चाहिए होगा। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं कि मेरे को सीमेंटिक पेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए। ओके गाइस चिंटिन और मेरे को स्टोन को क्रैश करना पड़ेगा एक साथ में, तभी मेरे को सीमेंटिक पेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक सीमेंटिक पेस्ट बनता है, एंड यहाँ पे गाइस चेकआउट करते हैं कि अपन लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर बनाने का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, आई थिंक मेरा जो चिंटी नहीं सीमेंटिंग पेस्ट है गाइस वो अराउंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बन गया होगा। तो चलो यार फटाफट से ऐसे करते हैं, अपना जो फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर है ना उसको क्राफ्ट कर लेंगे। तो सीमेंटिंग पेस्ट गाइस आई थिंक 20K+ बन गया होगा। ओके गाइस यहाँ पे 14 सीमेंटिंग पेस्ट बन चुका है, तो ऐसे करते हैं फटाफट से उसको अपनी इन्वेंट्री में डाल देंगे। गाइस मेरे को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इतने में तो सफिशेंट हो ही जाएगा। तो चलो गाइज मैं ऐसे करता हूँ, अपने प्रिजर्विंग बिन से थोड़ा सा यार पॉलीमर ले लूँगा, जो कि प्रिजर्व नहीं हो रहा है, काफ़ी गलत है यार, एटलीस्ट यार प्रिजर्विंग बिन में प्रिजर्व तो होना चाहिए था मीट, पर नहीं हो रहा है गाइज, अब कर कुछ नहीं सकता मैं इसमें। तो चलिए गाइज ऐसे करते हैं, आप फटाफट से अपने के लिए फैब्रिकेटर मशीन बना लेते हैं। तो मेरे पास गाइज 20 सीमेंटिंग पेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा स्पार्क पाउडर ले लेता हूँ, एंड मैंने गाइज ऑलरेडी अपने के लिए पॉलीमर तो निकाल के रखा हुआ है ना, तो ये चीज़ गाइज मेरे को अपनी स्मृति में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ओके गाइज यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर को क्राफ्ट करने के लिए लगा लिया। तो गाइज यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी यार आई थिंक इसको चलाने के लिए, तो जी हाँ गाइज आई थिंक मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलाने के लिए। तो गाइज अब आगे का वीडियो में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे एंड इसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए यार बस इतना ही, आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर गाइज वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना,
कमेंट करना यार, अनमन करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे को एक फाउंडेशन लगानी पड़ेगी सबसे पहले इसको प्लेस करने के लिए। तो मैं सोच रहा था गाइज़ एक जो वुडन फाउंडेशन है उसके ऊपर प्लेस कर लूँ, पर गाइज़ उसके ऊपर प्लेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए गाइज़ ऐसे करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना छोटा सा बेस बनाएंगे यार। तो चलिए गाइज़ बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।